दोस्तों, ये अमरूद का पौधा है। जो फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई, उसका अटैक इसमें ज़्यादा होता है। जैसे ही फल पकना शुरू होंगे तो फल मक्खी जो है, जो फीमेल है, वो उसमें अंडे दे देगी। और जैसे ही फल जो है पकना शुरू होगा तो उसमें जो है वो कीड़े पड़ जाएंगे और बाद में वो ख़राब हो जाएगा। दो तरीके हैं, या तो आप उसको थोड़ा कच्चा निकाल लो, या फिर छिड़काव कर लो कीटनाशकों का। अगर आप कीटनाशकों का की छिड़काव करेंगे तो इंसेक्टिसाइड किसी न किसी रूप में आपके शरीर के अंदर भी जाएंगे। तो उसके बचाव के लिए एक छोटा सा आइडिया, इस तरीके से आपने जो है एक टहनी को बंद कर लिया, जो आपके फ्रूट जो प्लास्टिक है आपका ऊपर से, और मेहनत का काम तो है ये बांधने का, लेकिन ये इसके मामले में भी अच्छा होगा। थोड़ा सा लिफाफे में छेद किया और बांध दिया। दोस्तों, ये जो प्लास्टिक है अमरूद के ऊपर बांधने का काम जो है पूरा हो चुका है। और इससे पहले भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर पहले किया था, और पिछली बार प्रूनिंग की थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतने जो हाइट है अमरूद की हो जाएगी, लेकिन अगली बार मुझे और। तो दोस्तों, ये प्लास्टिक अब लग चुका है, और तकरीबन जो भी फल होंगे इसमें फल मक्खी के अटैक से जब भी कीड़ा पड़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा बोलते हैं कि लोकेलिटी में कि या तो इनको छांव लग गई है, मतलब धूप नहीं पड़ा है, या फिर कोई और कारण बता देते हैं, नज़र लग गई है। लेकिन असल में कारण एक ही होता है, फल मक्खी का अटैक। जो फीमेल फ्रूट फ्लाई है उसमें अंडे देती है। अंडे कब देती है? जब फ्रूट पकने वाला होता है उससे कम से कम 7 या 8 दिन पहले। अगर आप थोड़ा सा कच्चा होगा अमरूद तब निकाल देते हैं, तब तो आप उसको खा लो, वहाँ से ज़्यादा वो डेवलप नहीं होंगे। जो अंडे होंगे वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, वहाँ से निकाल के आप खा सकते हैं। लेकिन अगर पका हुआ आप निकालना चाहेंगे और उसको खाना चाहेंगे, तो उसमें आपको बहुत सारे कीड़े और जो अमरूद के बीज होते हैं उससे भी तकरीबन 4 से 5 गुना बड़े बढ़ चुके होंगे। तो ये टेक्निक जो है पहले भी मैंने एक्सपेरिमेंट तौर पर किया हुआ था और सफल भी रहा हूँ। इस बार मैं पूरे पौधे पर किया है। और दोस्तों, तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो है अब फल पकना जो है शुरू हो गए हैं, जो प्लास्टिक मैंने लगाया था। तो रिज़ल्ट आप देख लें, थोड़ा थोड़ा पक रहे हैं, लेकिन प्रोसेस इसमें है कि जल्दी पकना शुरू हो जाते हैं। एक तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तरह काम करता है जो प्लास्टिक है, तो गैस अंदर रहेगी, जितना भी टेम्परेचर रहेगा एक संतुलित और गर्म वातावरण मिलेगा। ये देखिए, ये दोनों फल किस तरीके से टाइट हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं।
किसी भी प्रकार का कीड़ा या फल मक्खी का कोई अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर थे ये और साइज भी इनका बड़ा है। ये देखिए, हम थोड़ा सा नमक और मिर्च लगा सकते हैं स्वाद अनुसार आप। अमेजिंग है, जो प्लास्टिक लपेटने वाला काम है वो थोड़ा समय लेने वाला ज़रूर है, लेकिन आपको जो अमरूद है वो बिल्कुल साफ मिलेगा, किसी प्रकार की फल मक्खी का अटैक नहीं होगा। टेस्ट जो है मीठे के बजाय थोड़ा सा हल्का फीका होगा, लेकिन स्वस्थ होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और जानकारी आपके लिए इसमें लाभप्रद थी तो उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। अपना सहयोग यूं ही देते रहें, और कभी कोई सुझाव हो तो बेझिझक कहें। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली बार नए विषय के साथ।